भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर खेल की बात करें तो वो क्रिकेट है। शहरी क्षेत्रों को अगर आप देखें और ग्रामीण क्षेत्रों को भी देखें, हर जगह क्रिकेट का एक अलग ही अपना आनंद है, लोग आनंद लेकर खेलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं, लेकिन शायद उनके पास संसाधन की कमी रहने के कारण वो आगे तक नहीं पहुंच पाते। मधेपुर में अभी फिलहाल एक आयोजन किया जा रहा है आदर्श युवा क्रिकेट क्लब द्वारा, और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं इस आदर्श युवा क्रिकेट क्लब के जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं और उनसे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो आयोजन है वो 5 जनवरी से होने जा रहा है और इसमें मात्र 11 रुपया एंट्री फी रखा गया है। यहाँ पे टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, उसमें 11 रुपया मात्र रखा गया है एंट्री फी। जो विजेता टीम होंगे, जो फाइनल में जीतते हैं, उन्हें 21,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही जो रनर टीम यानी विजेता होंगे उन्हें 11,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। हम इसी संदर्भ को लेकर आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं कृष्णा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको भी मिथिला 24 इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना मूल्यवान समय निकाल के आपने इतना क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए आप मीडिया का सपोर्ट सबसे पहले होता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, जो भारत में सबसे लोकप्रिय है क्रिकेट, वाकई में हम ऐसे स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। विगत कई वर्ष पहले आदर्श युवा क्रिकेट क्लब हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट कराते थे। अभी के दौर में बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे वही क्रिकेट खेलते हैं जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं और वही आगे बढ़ते हैं, तो मैंने एंट्री फी इसलिए 11 रुपया ही रखा है जो उनको खेल की भावना से आएंगे खेलने के लिए, एज ए डिसिप्लिन, जो अपने घर में नहीं सीखते हैं, जो बाहर नहीं सीखते, हम क्रिकेट ग्राउंड में चाहते हैं डिसिप्लिन के साथ खेले और अच्छा क्रिकेट दिखाए, इसके लिए मात्र उनको मनी का प्रॉब्लम नहीं हो। केवल प्रवेश शुल्क के रूप में 11 रुपया लिए हैं और 21,000 विजेता को इसलिए दे रहे हैं जो उनको क्रिकेट खेलने में और भी आगे सपोर्ट मिले। और हम ये पूरे आपको ये बताना चाहते हैं, जो क्रिकेट में जो आगे बढ़ना चाहेंगे, अगर उनको किसी भी किट के लिए, पैड के लिए, बॉल के लिए कभी भी जरूरत पड़े, तो हमारा सपोर्ट और आदर्श युवा क्रिकेट क्लब जो संगत चौक पे होता है, हमारी पूरी टीम की सपोर्ट, कमेटी की पूरी टीम की सपोर्ट, उन खिलाड़ियों को जो बेहतरीन खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे उनको हम हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे क्रिकेट होने के बावजूद भी, क्योंकि मैं एक खुद स्पोर्ट्समैन रह चुका हूं और क्रिकेट की भावना एक स्पोर्ट्समैन से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। कितने दिनों से आप लोग आयोजन जो है वो करवाते आ रहे हैं? बीच में जगह बिल्कुल समतल नहीं होने के वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आउटफील्ड जो है सो आउटफील्ड सही नहीं था। इस बार ग्राउंड मेरे को बहुत अच्छा देखने को मिला और मैंने देखा जो बच्चे लोग के खेल के प्रति भावना पहले से कुछ ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि एज ए क्रिकेटर आज बहुत गर्व की बात है कि अपने बिहार के ईशान किशन, जो सचिन तेंदुलकर ने 2 शतक लगाए थे, आज बिहार के एक ईशान किशन ने 2 शतक मार के और क्रिकेट में इतना जुनून पैदा हो गया है, जो बच्चे लोग देखते हैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है सो इस बार मेरे को जगह भी बहुत अच्छा मिला, तो हम चाह रहे हैं जिसको और आगे बढ़ावा दें और इसीलिए टूर्नामेंट का आयोजन किया। अच्छा, जब आप लोग खेलते थे, मैं ये चीज पूछना इसलिए चाहूंगा, तो क्या क्या उस समय आप लोगों को दिक्कतें आती थी और जिसको लेकर आपने सोचा कि हाँ कि हम लोग इस तरह का आयोजन करेंगे? मान लीजिए आप, जैसा कि आपने बताया कि हम लोग प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं जीतने वाले टीम को 21,000 का, ताकि वो जो भी अपना किट वगैरह जो भी अगर उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो वो किट लें, अपना खेलें और अपने खेल को और बेहतर करें। तो आप सब जब खेल रहे थे उस समय क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, क्या क्या समस्याएं आ रही थी, इस बारे में चर्चा? देखिए, अपने मधेपुर स्तरीय, मधेपुर एक ब्लॉक स्तर पे प्रखंड कार्यालय है अपना, और सबसे मैं जो बताते हुए भी थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है आपको, जो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी यहाँ पे आउटफील्ड, मतलब पिच कहीं खेलने लायक सही समतल सही नहीं मिलता था। संगत चौक पे वो भी किसी का निजी जमीन है लेकिन वो भी क्रिकेट से प्रेम करते हैं, तो पूरा ग्राउंड वो खाली रखते हैं इस सीजन में, जो बच्चे लोग को खेलने का भावना मिले। सबसे ज्यादा हम लोग को परेशानी हुआ हमेशा पिच को लेके और आउटफील्ड को लेके, बाकी किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं थी। आज देख के इतना खुशी हो रहा है, जो ये जगह काश अगर स्टेडियम के रूप में होता, लेकिन किसी का निजी जमीन है तो वो लेकिन इतना क्रिकेट से प्रेम करते हैं, जो हम लोगों को बोले कि आप लोग क्रिकेट खेलिए, बच्चों का मनोबल बढ़ाइए,
तो सबसे ज्यादा परेशानी है। क्या लगता है एक स्टेडियम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम आपके मीडिया से चाहेंगे जो इतना आगे तक इस बात को बढ़ाएं, जो बच्चे हैं जो खेल के, क्योंकि पहले जमाने में बोलते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन अब ऐसा नहीं है। खेल के अपने माँ बाप का नाम रोशन आज देख लीजिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बिहार का बेटा ईशान किशन वो काम कर दिया जो विश्व लेवल पे, भारतवर्ष की बात नहीं है, विश्व लेवल पे गौरव माना जाता है। सचिन तेंदुलकर उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, अभी 20-25 दिन पहले की बात है, दोहरा शतक वनडे क्रिकेट में, वो भी बिहार से ही है, आगे बढ़ा वो भी खेल रहा है। तो हर बच्चा चाहता है, पता नहीं है ना कौन बच्चा आगे बढ़ जाएगा, आप सपोर्ट तो करिए, क्रिकेट को आगे तो बढ़ाइए तो मिलेगा, लेकिन एक स्टेडियम हो, अच्छा खेल हो, इस भावना से चाहते हैं बच्चे लोग आगे बढ़े। देखिए बातें तो करने के लिए काफी ज्यादा है, लेकिन हम अभी सीमित समय है हमारे पास, और हम इस चीज की जानकारी आपको देना चाहते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन जो है स्थानीय मधेपुर में हो रहा है, संगत चौक पे हो रहा है, और कुछ लोग आगे बढ़कर आए हैं जो सपोर्ट करते हैं, इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे साथी भी यहाँ बैठे हुए, और इन लोगों का उद्देश्य ये है कि जो भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मदद मिले, जैसे भी हो उन्हें कुछ ना कुछ मदद इनके तरफ से प्रदान हो, और वो बेहतर करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपने जिले का नाम रोशन करें, अपने राज्य का नाम रोशन करें, और इस तरह की सोच को लेकर ये लोग आए हैं, और बहुत ही बढ़िया आयोजन 5 जनवरी से होने जा रहा है। तो मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि अगर जो भी आप लोग अगर चाहते हैं कि इस तरह का खेल होता रहे, तो आप लोग भी आगे बढ़कर आए, सहयोग करें, और बस आज के लिए इतना है, देखते रहिए मिथिला 24/7।